मेरे जिंदगी के इम्तिहान यहाँ पे रहते हैं। बस बस बस, देखो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, आज का टॉपिक क्या अपना, कसौटी जिंदगी की कसौटी देखेंगे बच्चों। ठीक है यार, अपन मानते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। क्या होता है ये रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है डिविजिबिलिटी। बेटा कुंज, गो इनसाइड नाउ, चलो अंदर जाओ, मम्मी बुला रही है। देखो बच्चों, कसौटी जिंदगी क्या है ना, देखो बच्चों रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी आप, इसका यूज क्या होता है इतना पता है? क्यों क्यों ये दिया गया मैथ में, बता दो जरा, मैथ में क्यों डाला गया इसको? क्योंकि काटाकुटी करने के लिए, भांडण करने के लिए, इधर की हाँ काम को ना दोस्तों। देखो कसौटी, कसौटी बच्चों क्या करना है पता है? यहाँ पे क्या होता है, मैथ बोले तो कैलकुलेशन, क्या होता है कैलकुलेशन। यहाँ पे आपको प्लस भी करना है, माइनस भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। कई बार क्या होता है, बड़ी बड़ी दो संख्या है उसको डिवाइड करना है, जो कि डिवाइड करना मुश्किल हो जाता है और अपने को बड़े बड़े पहाड़े आते नहीं। तो उस टाइम पे क्या करते हैं हम लोग, कसौटी का यूज करते हैं, मतलब उन दोनों संख्याओं को ना छोटी से छोटी संख्याओं से काटने की कोशिश करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करते हैं? और मैथ बिना सिंप्लीफाई के होने वाला नहीं। और ये सिंप्लीफिकेशन आने के लिए सबसे पहले अपने को पहाड़े आने चाहिए बेटा। क्या आने चाहिए? ठीक है, अब जो भी कसौटी हम लोग करेंगे, जिसकी भी कसौटी देखेंगे, उसका तो पारा कम से कम आना चाहिए, नहीं तो आप काटोगे कैसे? ये सुनो, कटेगा क्या? अब जो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कि कसौटी देखेंगे बच्चों, आपने अगर यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ 20 तक कर ली, 20 तक कसौटी, कितने तक? 20 तक कसौटी कर ली, तो आपको मैथ ना जादू लगेगा। क्या लगेगा? धूप वाला जादू नहीं, ट्विस्ट 4 आने वाली है, पता है ना, ट्विस्ट 4 आने वाली है, उसमें जादू भी इतना आएगा और उसमें ना बॉडी मेरे जैसी बना के आएगा, बॉडी बनाएगा, उसमें जिम जाता था, उसमें जादू इतने दिन गया था ना, मतलब वो जिम जा रहा था। ठीक है, देख लेना उसका ट्रीजर अवेलेबल है, आ गया थोड़ा थोड़ा। ठीक है, आप देखो 20 तक जो कसौटी है ना अपनी, तो कसौटी 20 तक अगर आपने कर लिया तो कम से कम 20 तक पारे याद होनी चाहिए, नहीं बेटा कसौटी तो लगा लेंगे। ठीक है, अगर 17 का कसौटी लगाया, 17 का 5 संख्या है और 17 का पारा नहीं आएगा, तो कसौटी लगाते आएगा नहीं? आएगा, कैसे आएगा वो मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, कसौटी देखेंगे। नॉर्मली कसौटी में सबसे छोटी कसौटी कौन सी आती है बताओ? एक नंबर पे आपको देखना है 2 की कसौटी, कौन सी? 2 की कसौटी। अब 2 की कसौटी क्या कहती है बच्चों पता है? ये कहती है मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूं। क्या कहती है? मैं तुम्हारे बिना शून्य हूं। ठीक है, तो क्यों बच्चों 2 की कसौटी ये कहती है कि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर, क्या इकाई के स्थान पर, कितनी बड़ी भी संख्या रहने दो, कितनी भी छोटी संख्या रहने दो, ज्यादा देखने का नहीं, सिर्फ क्या करना उसमें ना इकाई का अंक देखना। क्या देखना? इकाई, इकाई मतलब क्या है? यूनिट प्लेस। क्या देखना? यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पर अगर आपका 2, देखो यहाँ पे 0, 2, 4, 6 या फिर 8 में से कोई भी अंक होगा तो पूरी पूरी संख्या कितने से कट जाएगी? 2 से। समझ आया बच्चों? बाद में लिखना, पहले समझ लो टाइम पर। 2 की कसौटी क्या कहती है? संख्या कितनी बड़ी भी रहने दो, अगर उसका इकाई का अंक, लास्ट वाला अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी अंक होगा लास्ट में, तो वो संख्या कितने से डिवाइड होगी? 2 से डिवाइड होगी। जैसे कि अभी समझ के चलो, एक संख्या लिखी एग्जांपल के तौर पर हम लोग देते हैं, संख्या लिखी ऐसी 2, 3, 4, 5, 6 बटे में लिखा है 2, 4, 8, 3, 2। अब अपने को ये पता नहीं है कि इतनी संख्या को इससे काट सकते कि नहीं काट सकते, अपने को पता नहीं, लेकिन काटना है और अपने को इतना बड़ा पारा भी नहीं आता है, तो बच्चों यहाँ पे कसौटी का यूज करेंगे। अच्छा, ये संख्या 2 से कटेगी क्या? क्यों? लास्ट में 6 दिया है, नीचे वाली संख्या 2 से कटेगी क्या? क्यों? लास्ट में 6 दिया है, इसका मतलब ये दोनों संख्याएं ना 2 से कट जाएंगी,
समझा बच्चों, इसका मतलब दोनों संख्याएं दो से कट जाएंगी, तो आप इसको ना भाग करना ही नहीं बेटा, काट देना से। देखो दो एकम दो एकम दो एकम एक बचा, चौदह हो गया, दो सत्ते चौदह, ये भी कट गया, दे दुने एक बचा, सोलह हो गया, सोलह कट गया। अब उसी संख्या से इसको काट लो, दो एकम दो दुने दो चौक दो एकम दो छा, मतलब इसका जो आंसर आ गया ना बेटा, देखो एक एक सात दो आठ बटे में कितना, एक दो चार एक छ आ गया बेटा। अभी भी कटेगी क्या दोनों संख्या है, कितने से ऐसे ऐसे ऐसे, देखो दो पंचे दस, कितने बचे यहाँ पे, दो अठे सोलह, कितने बचे एक, दो चार बारह और दो चौक आठ, यहाँ पे देखो दो चंग दो दुनी जीरो, दो अटे सोलह, तो पता चला दो अटे सोलह छह सौ अट्ठाईस, ये कट गया देखो पांच आठ छ चार और बटे में बचा छ दो जीरो आठ। अब कटेगा क्या, कटेगा मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, डायरेक्टली संख्या देखना कटेगा कि नहीं कटेगा, सिर्फ इतना आपको देखना है, दो से कट जाएगी। इसके बाद आपको बताऊंगा कि चार से कैसे कटेगी, आठ से कैसे कटेगी, यही संख्या तीन से कैसे कटेगी, यही संख्या नौ से कैसे कटेगी, सारी कसौटी देखेंगे। तो यहाँ पे आपको मतलब नॉर्मली समझ में आ गया कि दो की कसौटी क्या होती है, ये सुनो। अब दो की कसौटी यहाँ पे स्टॉप करते, जब तक कटता रहेगा काटते रहेगा करते बैठ के, ठीक है। आप देखो बेटा, आप देख रहे थे हम लोग इसमें तीन की कसौटी, कौन सी तीन की कसौटी, देख लो यहाँ पे तीन की कसौटी, तीन की कसौटी क्या कहती है बच्चों पता है, देखो तीन की कसौटी कहती है अंकों का योगफल भाग में कितना, अंकों के योगफल को अगर तीन से भाग जाएगा तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है। अंकों के योगफल को अगर तीन से भाग जाएगा तो अपना काम बन जाएगा, अंकों का योगफल भाग में कितना तीन, इसका मतलब सीधे से समझ के चलना बच्चों, अंकों के योगफल को अगर तीन से भाग जाएगा तो अपना काम बन जाएगा, अपना काम बन जाएगा, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्या करना, कोई भी संख्या लिखी समझ के चलो, कोई भी संख्या, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह, बस यहीं पे रह जाओ, एक दो तीन कितना रहेगा, एक सौ तेईस, दो से भाग जाएगा क्या, दो से भाग जाएगा क्या, पक्का, क्यों, क्योंकि इकाई के स्थान पर तीन है, अगर इकाई के स्थान पर जीरो दो चार छ या फिर इसे कोई अंक रहता तो उसको कितने से भाग जाता है, इसको जाएगा क्या, तीन से जाएगा क्या, क्यों, हाँ। तो अपन ने क्या देखा कि अगर अंकों के योगफल को तीन से भाग जाएगा तो अपना काम, इनको जोड़ लो भैया, अंकों का योगफल मतलब ये होता है एक प्लस दो प्लस तीन, जोड़ने पर अगर ये तीन से कट गया तो समझ के चलो उसमें तीन से भाग जाएगा, जोड़ो कितना आ रहा है इसको, छ, छ को तीन से भाग जाता है क्या, कितने बार में, पूरा कट गया, इसका मतलब इसमें तीन से भाग जाएगा, क्लियर हुआ। अब देखो अगर नहीं समझ में आता, भरोसा नहीं है मेरे ऊपर कभी कभी, तो क्या करना, इसको 123 से भाग करके देख लो भाई, तीन चौक जीरो, तीन उतारे खाली, तीन एकम कट गया क्या पूरा, मतलब 123 से भाग जाएगा। देखो बच्चों आप सवाल रखो आगे, समझ के जो संख्या लिखी, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ दस ग्यारह बारह तेरह, आगे करो क्या, बस एक लिखो। अब ये बताओ इतनी बड़ी संख्या लिखी है, इस संख्या को हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ना, ज्यादा बड़ी संख्या हो गई, यहां तक है तो सिर्फ बताओ इसमें तीन से भाग जाएगा क्या, इसमें तीन से भाग जाएगा क्या, यस और नो, क्या किया तुमने, योगफल अंकों को जोड़ लिया सिर्फ, क्या किया,
रंगों को जोड़ लिया। आप देखो यहाँ पे दो और एक तीन, तीन और तीन छह, और चार दस, दस और पांच पंद्रह, पंद्रह को तीन से भाग जाएगा, अपना काम बन जाएगा। क्लियर हुआ? ऐसा आप बच्चों इसको ना पूरा जोड़ना वाले ट्रिक और बताता हूँ, शॉर्टकट वाली। वो शॉर्टकट ट्रिक ऐसी है, किसी को बताना मत, बाद में तुम्हें पूछा जाएगा, अपने में रखना, ठीक है? देखो कैसा, तीन तीन से कट कर डालो, डायरेक्ट तीन तीन से कट कर डालो। देखो ये तीन कट गया, दो और एक तीन कट गया, अभी है पांच चार नौ कट गया, पूरा कट गया, मतलब तीन से भाग समझा बेटा सबको? कोई लोचा पक्का समझ लो, वापस से पूछूंगा और नहीं आया तो मैं मार दूंगा। अगला सवाल देखो, अगर नहीं समझ आएगा ना बच्चों पूछते चलो, हाँ अगर नहीं समझ में आया तो पूछो, अगर बाद में मैंने पूछा और नहीं आया तो फिर मैं क्या करूंगा, वापस से बताऊंगा, मारूंगा बोले। आठ तेरे ऐसा समझा गया, मारूंगा बोले। ये लड़की ना बहुत मारने पागल है, कहा है विशाल, ये लड़की पागल है पागल है पागल है। देखो आगे देखो, अगला सवाल देखो, कौन बने करोड़पति में तुम्हारा स्वागत है। सवाल है दो तीन चार पांच छह सात, इसमें बताओ तीन से भाग जाएगा क्या? तीन से भाग जाएगा क्या? क्यों? क्योंकि ना हम लोग क्या तीन तीन को कट के देखो, तीन से ये कट गया, चार दो छह ये कट गया, ये छह कट गया, सात पांच बारह भाई ये भी कट गया, जा रहा है कौन बड़ा करने जा रहा है भैया, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बारह आया तो जा रहा है, मतलब पूरा कट गया तीन से, तो इसको ना जोड़ के भाग करने की जरूरत नहीं है, तीन तीन के टप्पे में खत्म करते चलो, समझे बच्चो? नहीं तो अपन क्या करेंगे, दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पांच प्लस छह प्लस सात, मा सका था तीन आई दो पांच, पांच आने चार नौ, बने पांच दस अकड़ा बारह तेरह चौदह, चौदह ने सा अकड़ा बारह तेरह चौदह, जोड़ते जोड़ते और पता चला हाथ से सुल्ला। अरे बेरिस करता है पूरे मांगे डाले मैं उत्तर इनार सोपे ड्रेक, तीन तीन के डब्बे में कट करते चलो, समझ में आया बच्चों? ठीक है बढ़िया। तीन की कसौटी बताने की जरूरत है क्या? ठीक है, दो की कसौटी क्या बताई थी, लास्ट के अंत में क्या होगा, जीरो। तीन की कसौटी क्या, अंकों के योग बस। चार की कसौटी देखो बेटा, चार की कसौटी बड़ी खतरनाक है, उसकी एक स्टोरी है, चार की कसौटी की बड़ी दुख भरी स्टोरी है, देखो बड़ी खतरनाक, चार की कसौटी, चार की कसौटी बेटा, चार की कसौटी क्या कहती पता है, पागल उसका नाम मत ले, मेरा पढ़ाना बंद हो जाएगा पागल, क्या को जूली का नाम देना तू, इधर जाए तो चार की कसौटी क्या कहती बेटा पता है, संख्या कितनी बड़ी भी रहने दो, संख्या कितनी बड़ी भी रहने दो, कहता है मैं अकेला ना जाऊंगा, मैं अकेला मायके ना जाऊंगा, ये लड़की है मैं अकेले मायके ना जाऊंगी, ऐसा बोलता है। चार की कसौटी कहती है बेटा कि संख्या कितनी बड़ी भी रहने दो, मैं तो लास्ट के दो अंक देखूंगी, क्या देखूंगी, मैं लास्ट के दो अंक देखूंगी, तो ये बात ध्यान रखना, संख्या के, क्या मैंने बोला, संख्या के अंतिम दो अंक भाग में कितना, चार, इसमें है क्या, संख्या के अंतिम दो अंकों में, संख्या के अंतिम के दो अंकों में अगर चार से भाग जाएगा तो अपना काम पक्का बन जाएगा, तो अपना काम तीन में सिर्फ काम बनना था, यहाँ पे पक्का काम बनेगा, वो दो लोग जा रहे तो बहुत कुछ भी हो सकता, दो लोग गए तो कुछ भी हो सकता, समझ आया? तो इसीलिए बोला कि संख्या के अंतिम दो अंकों में अगर चार से भाग जाएगा तो अपना काम पक्का बन जाएगा, समझा? कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ भी होगा, तो बस ये बात ध्यान में रखना, हाँ यहाँ पे सिर्फ ये बात ध्यान रखना कि चार की कसौटी कहती है कि किसी भी संख्या के अंतिम दो अंकों में अगर चार से भाग जाएगा तो अपना काम पक्का बन जाएगा।
कच्चा काम ही पक्का। देखो सवाल अभी ऑप्शन देखो यहाँ पे अभी ऑप्शन दिया अपने सवाल दिया है 2, 3, 4 और 4 अब देखो सूटी क्या कहती है अंतिम दो अंक देख लो भाई बाकी देखने का नहीं। यहाँ पे क्या होता है पता है यहाँ पे ऐसा मसला होता है सवाल संख्या देखते बोलते हैं हम तुमको जानते नहीं तुम कौन हम जानते नहीं हम तो लास्ट को दूर देखेंगे हमारा इनसे काम बनने वाला है सिर्फ लास्ट के दो अंकों को अगर चार से भाग जाएगा तो इनका काम पक्का हो जाएगा ऐसी बात है तो चार एकम चार इसका मतलब इसको चार से भाग जाएगा समझ में आया बच्चो अगला देखो 2, 3, 4, 5, 0, 0 मुर्गी के अंडे 0, 0 मुर्गी के अंडे ठीक है अब बताओ इसको भाग जाएगा क्या जानारस नहीं भूख सका था मैंने हाँ अंडे खाती मने अंडे खाती मी जानारस नहीं मने जाएगा भाग जाएगा मैं बोल रहा था जाएगा उसको भाग जाएगा कि नहीं जाएगा मेरा ये जाएगा मैं बोलता नहीं जाएगा नहीं जाएगा देखिए मेरे साथ में और कौन मेरे साथ बोली को लगाओ यहाँ पे देखो क्या बोला अंतिम दो अंक देखना है बाकी तो हम जानते दो अंडे बचे अब ये बताओ ये अंडे मुर्गी के है कुंबड़ी के और चकली के कोई बात नहीं पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया भाई उससे देखा जा रही पहले बुखार माना है फिर उससे अंडे दिया पहले ना देखो पहले ना सुनो मैं अंडे लेने गया तो मुर्गी और अंडे का कुछ पता नहीं था लेकिन दुकान वाला आया पहले तो उसने मेरे को अंडे दिए अंडे कौन देता है मुर्गी ने भी कैसे ये बता मेरे को मेरे दुकान वाला कैसे देगा ये आपको देता है आपने पूरा नहीं सुना अरे यहाँ पे तंदूरी अंडे खाली रहे भरे रहे तो मेरा सवाल क्या था अंडे कौन देता है बोले दुकान वाले देखो यहाँ पे बेटा यहाँ पे ना जीरो है क्या है इसका मतलब जीरो है आपने वहां पे देखा था क्या जीरो आए या सात आए तो वही होता है यहाँ पे भी जीरो है मतलब अगर इसको चार से भाग दोगे तो देने की जरूरत ही नहीं भैया कुछ है ही नहीं वहां पे तो ये बात ध्यान रखना लास्ट में अगर दो शून्य आए तो भी चार से भाग जाए वहां पे ये मत बोल देना राजू अंडे दे दुकान वाले का नाम था राजू राजू अंडे नहीं देगा ऐसे एक जोक का देखो एक दुकान देखो एक जाता ग्राहक दुकान पे अंडे लेने के लिए ठीक है राजू दुकान वाले का नाम राजू को पूछते है भाई साहब आपने अंडे कैसे दिए आप दुकान वाला कंफ्यूज इसको प्रोसेस बताओ कि भाव बताओ समझे समझ जाएगा प्रोसेस बताओ कि ऐसा गड़बड़ होता यहाँ पे कंफ्यूज होने का अरे भाई आपको कुछ ले जाओ कितना खुश हो गया लड़का समझ गया बच्चों तो लास्ट में अगर दो शून्य होगा तो भी उसको चार से बाहर आया हाँ अगला देखो सवाल और ले लेते इसमें देखो यहाँ पे संख्या लिखी है 4, 8, 4, 8, 4 अब जाएगा क्या जाएगा क्या बेटा पता है क्यों मैंने आपको पहले बोला कि लास्ट के दो अंक देखना इनसे अपने को लेना देना नहीं और 42 चार के पाड़े में आता चार दाम 40 और बचे कितने हैं दो अंडे बचे आप भी बनाने खाते दो बचे मतलब भाग जाएगा आओ काय चालू मत तुमचा भाई कृपा आई ना काय दी ना चार की कसोटी समझ रहे सबको समझ आएगा
आप देख लो पांच कसौटी, पांच कसौटी, आज कसौटी बताऊंगा, इसके ऊपर फिर रिसर्च करेंगे अपन, ठीक है। पांच की कसौटी, पांच की कसौटी क्या कहती है? पांच की कसौटी कहती है अंडा राजू दे या मुर्गी दे, पांच की कसौटी यहाँ पे अंदर भाई। पांच की कसौटी कहती है, देखो जो अंडा है ना, देखो राजू दे या मुर्गी दे, अंडा राजू दे या मुर्गी दे, अपने को तो भाई खाने से मतलब है, अपने को इसका मतलब ये पांच या शून्य लास्ट में आया तो वो क्या हो जाएगा, पांच संख्या जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, राजू ना अंडा पांच रुपए का देता है, कितने का? राजू अंडा, ये अंडा दिया बेटा, ये कितने रुपए का देता है? पांच रुपए का। अगर राजू ने अंडा पांच रुपए का दिया तो समझ लो उस संख्या को कितने से भाग जाएगा, समझ में आया? राजू ने अंडा कितने रुपए का दिया? अंडा मतलब शून्य और अंडे की कीमत कितनी? राजू ने अंडा अगर पांच रुपए का दिया तो समझ के चलो वो संख्या पांच से कट जाएगी। आप अंडे का ऑमलेट बनाओ या भुजी बनाओ या फिर बॉईल करके खाओ, अंडे का भाव बढ़ा तो मुर्गी को तकलीफ। यहाँ पे जिसको समझ में आया उसको समझ में आया, बाकी लोग यहाँ पे ध्यान दो। पांच की कसौटी समझ आएगा बच्चा, देखो नहीं समझा जान लेते यहाँ पे ध्यान दे। पांच की कसौटी क्या पता है? देखो पांच की कसौटी कहती है बेटा राजू ने अंडा कितने रुपए का दिया? राजू ने अंडा पांच रुपए का दिया, उस संख्या में कितने से भाग जाएगा? पांच रुपए का भाग जाएगा, समझ में आया? अब इसका मतलब ये संख्या कोई भी रहने दो, लास्ट का भी देख लियो जीरो या फिर पांच होगा तो संख्या को अंडे के वैल्यू ने बोले, वैल्यू तो मेरी ये बोले, मैं अंडा देता क्या यार, इसे वो तो पीछे कोड मत बेटा, मतलब वो सपोर्ट करता क्या तेरे को, वाह याद आ गया ये पूरा हो, ये पूरा चिंगड़ कर देता है, ये पूरा चिंगड़ कर देता बोले, इधर देख चिंगड़ आती। आप देखो ये बताना पांच से भाग जाएगा कि नहीं, ये मुझे बता देना, सिर्फ दो तीन चार पांच, पांच से भाग जाएगा। सही सर, राजू पांच रुपए का अंडा दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे अपन ने तीस पढ़ा दिए तो आप भाग जाएगा क्या? यहाँ पे आप पढ़ा दिया जाएगा क्या? यहाँ पे सात वाला अंडा हो गया, समझ गए बच्चों? पांच की कसौटी का प्रॉब्लम क्या? पक्का? छह की कसौटी पे आ जाओ, चलो छह की कसौटी, छह की कसौटी। इसमें पता है क्या है? दो और तीन से, इसमें झुल्ली, झुल्ली का भाई और मैं, झूली झूली का भाई और मैं, कैसे देखो भाई कैसे हो? इसने ऐसा बोला कि हम दोनों के बीच में, हम दोनों के बीच में अगर तीसरा आया, हम दोनों के बीच में अगर तीसरा आया तो इस सवाल को आग लग जाएगी। हम दोनों के बीच में अगर तीसरा आया तो इसे क्या हो जाएगी? आग लग जाएगी। मतलब दो और तीन, दो और तीन से जिस संख्या में भाग जाएगा वो सवाल हल हो जाएगा, समझ आया? जिस संख्या में दो और तीन से भाग जाएगा उस संख्या में छह से भी भाग जाएगा, कितने से? समझ में आया? हम दोनों के बीच में कोई तीसरा आएगा तो सवाल हो जाएगा, समझ आया बेटा? दो की कसौटी सबको याद है ना, इकाई के अंक पे क्या होना चाहिए? जीरो, और तीन की कसौटी क्या थी? अंकों के योगफल में अगर तीन से भाग जाएगा तो अपना काम बन जाएगा। हम दोनों के बीच में अगर कोई तीसरा आया तो छह से सवाल हो जाएगा। हम दोनों के बीच में कोई तीसरा आया तो वो सवाल छह से हल हो जाएगा, समझ आया? मतलब दो और तीन से अगर दोनों संख्याओं में जिस संख्या से भाग जाएगा उस संख्या में छह से भाग जाएगा।
समझा बच्चों? आप देखो सवाल लिखा है 182 132। अब ये बताओ इसमें 6 से भाग जाएगा क्या? ऐसे कैसे जाएगा भाई? सबसे पहले इसमें 2 से भाग जा रहा है क्या? 2 से। इसके बाद 3 से भाग जाएगा क्या? नहीं करना बेटा। देख ये 3 कट गया, 2 और 1 3 कट गया, पूरा कट गया, मतलब क्या 3 से भी भाग जाएगा, और 2 और 3 से भाग गया है तो इसका मतलब 6 से भी भाग जाएगा। समझ में आया? जिस संख्या में 2 और 3 से भाग जाएगा उसको 6 से भी भाग जाएगा। तो इसको याद रखना, हम दोनों के बीच में कोई तीसरा आया तो 6 से सवाल हो जाएगा। समझ में आया? पक्का? प्रॉमिस? ठीक है। अगर अभी नहीं आ रहा है तो पूछते चलो, अगर बाद में नहीं आया बेटा तो क्या होगा पता है? वापस से बताऊंगा। चलो ठीक है, आगे देखो। सात की कसौटी, सात की कसौटी, सात की कसौटी मेरे को नहीं आती, किसी को बोलना मत बाहर। लेकिन आठ की कसौटी देखो, सात की कसौटी मेरे को नहीं आती, सिर्फ ये बाहर बोलना मत, मैं तुमको आठ की बता रहा हूँ। तुम लोग इसको सुनना मत, समझना मत, मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। आगे देखो, बस मैंने चेंज कर दिया इसके बेटा। ये समझ के चलो, आठ की कसौटी आती है मेरे को तो मैं वो बताता हूँ, क्योंकि आठ की कसौटी सबको आती है और मेरी आठ की कसौटी सबको आती नहीं और मेरी जाती नहीं। आठ की कसौटी देख लो पहले, ये पता है ना हीरोपंती का डायलॉग है, सबको आती नहीं ऐसे ही मेरा हिसाब किताब है, सबको आती नहीं और मेरी जाती नहीं। देख लो यहाँ पे किसकी कसौटी? क्या कहती है, किसी को पता है क्या क्या है कसौटी आठ की? किसी को पता है क्या बेटा? चार की कसौटी याद है क्या? चार की कसौटी क्या थी? अंतिम दो अंक में अगर चार से भाग जाएगा तो अपना काम पक्का बन जाएगा, और यहाँ पे वही है, यहाँ पे अगर लास्ट के 3 अंकों में 8 से भाग जाएगा तो पूरे गांव का काम बन जाएगा। देखो पूरे गांव का काम बन जाएगा। तू पहले बात कर ले। देखो यहाँ पे क्या आ रही है कसौटी? क्या अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंकों में कितने से भाग जाएगा? 8 से भाग तो क्या होगा? तो पूरे गांव का काम बन जाएगा। ऐसा लिख दो, पूरे गांव का काम बन जाएगा। तो जाने देना तेरे को, क्या अरे भाई कोई जा रहा है, तू जाने दो ना, तुमको क्या प्रॉब्लम? अपना अपना देखो, अपना तो संभाला नहीं जाता, दूसरे का देखते हैं क्या फायदा। देखो यहाँ पे जाना है ना, फिर वही रहूंगा वहाँ पे। आने दे, कहाँ पे जा रहा है? यहाँ पे दादी बहू बहू जब पाओ मैं कल है, तुझा भी पातू भी थामना पड़ा है, भाई करते तो संभालता जाना धीरे है। देखो तुम आगे बसे बसे प्लानिंग करते हो तेरी, अरे तेरा भाई इतनी नहीं है बारे। देखो इधर आठ की कसौटी क्या करना बच्चों? देखो अंतिम 3 अंकों में 8 से भाग गया तो पूरी पूरी संख्या कितनी कट जाएगी? या फिर राजू 3 अंडे देगा कितना? बेचारे राजू को शहीद कर देना आ जाएगा धीरे धीरे। अगर लास्ट में 3 शून्य रहेंगे तो भी बेटा उसे 8 से भाग जाएगा। ठीक है, अब जाके कोई राजू दुकान वाला रहा और उससे तुमने पूछ दिया भाई साहब अंडे रहना, बेचारा मासूमियत से पहले सोचेगा समझेगा फिर क्या करूं मैं। तुम ऐसे पूछते क्या भाई? एक्सपीरियंस लोग होंगे तुम्हारे इधर के। देखो सवाल देखना है। देखो अभी
दो तीन चार पांच आठ दो चार में आठ से बात जाएगा क्या कैसे क्या लास्ट के तीन अंक देखना आगे क्या हम जानते लास्ट के तीन अंक देखना आगे क्या हम जानते देखो आठ एक आठ एक आठ से बात क्लियर हुआ सीधे सीधे आठ से बात जाएगा क्लियर हुआ सबका ठीक है अब देखो अगला सवाल दो तीन चार जीरो 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 दो तीन चार बात कहेगा क्या बात कहेगा क्या भाई लास्ट के तीन अंक दिख रहा है कि अंडे भी दिख रहा है तीन अंडे भी है ना यहाँ पे देखो तीन अंडे भी दिए ना यहाँ पे लेकिन अंडे कहाँ होने चाहिए कहाँ अंडे होने चाहिए आखिरी में तो आखिरी में तीन अंडे गया आखिरी में तो आपने बना हो रखा है लेकिन अंडे नहीं यहाँ पे तो आठ दूनी सोलह कितने बचेंगे सात आठ नौ बहत्तर तो भी दो बच रहे मतलब इसमें आठ से भाग जाएगा मतलब आठ से भाग नहीं जाएगा क्लियर हो बच्चो इसमें कोई लोचा किसी को पक्का नौ की कसौटी देखो नौ की कसौटी हाँ तीन की कसौटी सबको पता ना योगफल में तीन से भाग जाएगा तो अपना काम बन जाएगा ये भी वैसे ही भैया अंकों के योगफल में अगर नौ से भाग जाएगा तो इनका भी काम बन जाएगा अंकों का योगफल ठीक है अंकों का योगफल यहाँ पे भाग में नौ लिखो या फिर बटे में नौ लिखा तो भी चलता लेकिन दोनों मत लिख देना पता चला ज्यादा हो सर चक्कर में सर दोनों लिखा है नहीं ना नौ गुना इक्यासी हो जाएगा ये बटे में आ जाएगा नौ इक्यासी हो जाएगा तो कैसे बता देख यहाँ पे एक बटे नौ का और यहाँ पे भाग में नौ है तो क्या करेंगे इसको एक बटे नौ गुना में एक बटे नौ तो ये हो जाएगा बेटा एक बटे इक्यासी मतलब इक्यासी से भाग करना पड़ेगा ऐसा हो जाएगा नहीं बातें बताऊंगा नियम दूंगा ना आपके परेशान है बेटा ये समझ में आया सबको अंकों का योगफल भाग में कितना अंकों का योगफल और भाग में कितना ठीक है अब देखो अब क्या करेंगे दो तीन चार पांच छह में भाग जाएगा क्या बताओ मुझे नौ से सबसे पहले मुझे ये बताओ दो से भाग जाएगा क्या दो से भाग जाएगा क्या लास्ट में छह दिया है मतलब दो से भाग तीन से भाग जाएगा क्या तीन से भाग जाएगा तीन से तो नहीं जा रहा है पक्का है देखो देखो ये छह कट गया पांच चार नौ कट गया ये तीन कट गया बेचारा दो अकेला रह गया चार से जाएगा क्या चार से जाएगा अंतिम दो अंक लड़का अंतिम दो अंक अंतिम दो अंक में अगर चार से भाग गया तो कट जाता है ना देखो चार कट चार चार चौक सोलह पांच से जाएगा क्या छह से जाएगा क्या छह से भाग जाएगा क्या भैया हम दोनों के बीच में कोई तीसरा आया तो क्या होगा छह से भाग जाएगा दो और तीन तीन है क्या यहाँ पे तीसरा कहाँ आया यहाँ पे उसमें देखना तो दो और तीन से भाग जाएगा तो छह से भाग जाएगा मतलब यहाँ पे छह से भाग जाएगा सात से भाग जाएगा क्या अरे सॉरी मेरे को आता नहीं है आगे देखो आठ का देखो आठ से भाग जाएगा क्या आठ पच्चीस चालीस और आठ सत्ताईस छप्पन जाएगा आठ से जाएगा यहाँ पे आठ पच्चीस चालीस और आठ सत्ताईस छप्पन कट रहे तीन अंक लास्ट के समझ में आया इसके बाद नौ से जाएगा क्या नहीं बेटा समझ में आया सबको पक्का आप सब सवाल की तरफ दस की कसौटी और देख लो
दस की कसौटी क्या कहती बच्चों पता है? अगर फ्री कांडा मिला तो भाग जाते दस से, फ्री कांडा मिला तो दस से भाग जाएगा। फ्री कांडा मतलब लास्ट में अगर अंडा तुमको दिखा मतलब दस से कट गया, ये फ्री कांडा है, कट कांडा है, वो अंडा कुत्ते का हो सकता है। अरे दुकान वाले का कुत्ता नाम था, अब उसको दे कुत्ते अंडा दे तो वो देता था बराबर। तो फ्री का अंडा मिला तो क्या होगा उसमें भाग सुना? बस इतना ही है दसवीं का छोटी, देख लो अभी सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। ये पूरे गांव में स्कीम बांट देगी मैं परेशान। चाइनीज में देखो बताया नहीं लगा नेपाली क्या ना, इसको बताया था कि मेरे को आता नहीं शांति कसौटी, बार स्कीम में लीक मत करना, तू सबको याद करा करा के लीक करवाएगी और कुछ नहीं। याद है बच्चों, अब इनको कट करना है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के आधार पर, नियमों के आधार पर, ठीक है? चलो बेटा ये दो सवाल दिए, देखो मैं कट करने के नियम बताता हूँ। सबसे पहले देखो ये कट कैसे करते हैं, पता है? ऊपर और नीचे सबसे पहले देखना कि कौन कौन सी संख्या से भाग जा रहा है ना। अब सबसे पहला देखेंगे तो यहाँ पे दो है और यहाँ पे दो है, मतलब दो से तो पक्का भाग जाएगा, तीन से भी जा रहा है। तीन से देखो, तीन दो पांच और एक छह, दो दो चार, चार आठ और एक नौ, मतलब यहाँ पे तीन से भाग जा रहा है, छह से भी जाएगा, चार से जाएगा क्या? जाएगा ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। दो से और तीन से जा रहा है इसका मतलब छह से पक्का भाग जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना बच्चों, पहले जजमेंट लगाना कि कौन कौन सी संख्या से भाग गया था। देखो पहले दो से गया, तीन से गया, इसका मतलब छह से भी जाएगा। तो जब कट करते हो ना तो सबसे बड़ी संख्या से कट करना। आप पहले दो से कट करोगे फिर तीन से कट करोगे तो आपकी स्टेप पड़ेगी, ये सुनो। तो क्या करना, कट करते वक्त सबसे बड़ी संख्या से ही कट करना। अभी यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ गई? छह आ गई, तो छह से कट कर दो। कैसे? छह दुनी छह दुनी बारह, हाँ नौ से भी देखो, नौ नौ का नहीं जाएगा बता। देखो अगर नौ का देखना तो बेटा नौ से देखेंगे। देखो नौ की कसौटी क्या कहती है, अंकों का योगफल भाग में कितना? नौ। यहाँ पे देखो तीन दो पांच और एक छह आ रहा है, मतलब इसमें नौ से भाग जाएगा नहीं, क्योंकि नौ तक पहुंच ही नहीं जाएगा, नीचे जा रहा है। चार दो छह दो आठ एक नौ, लेकिन ऊपर भी जाना चाहिए। कट करने का मतलब क्या होता है, सेम संख्या से ऊपर भी और नीचे भी भाग देना, ये सुनो। तो यहाँ पे इन सब में ना कॉमन दोनों संख्याओं में भाग जाने की संख्या है दो तीन और छह है, तो आप बड़ी संख्या से कट करो छह से। कैसे लगेगा देखो, छह दुनी बारह कितना बचेंगे? दो। छह त्रिक अठारह, कितने बचेंगे? चार। और यहाँ पे बयालीस हो गए, छह सत्ते बयालीस, ये पूरा खत्म। ऊपर देखो छह दुनी बारह और यहाँ पे छह दुनी बारह, तो मतलब इसका जो आंसर आएगा वो कितना गया? बाईस बटे में 237। अब ये बेटा किसी भी संख्या से कटेगी नहीं, डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? डायरेक्टली आपको कट करना। अगर नॉर्मली कट करते थे तो वो क्या आम आदमी की जिंदगी थी, पहले दो से कट करो फिर तीन से कट करो। ये कौन सी जिंदगी है? मेंटोस की जिंदगी। कौन सी? मेंटोस की जिंदगी, शॉर्टकट में डायरेक्ट। समझाया क्या? अभी उसी तरीके से ये सवाल बेटा करना है आपको, करो जरा इसमें, देखो इसमें शॉर्टकट कैसे कर सकते हो। कितना? सत्तावन बटे। देखो यहाँ पे पहले देख लो कौन कौन सी संख्या से भाग जाएगा। सबसे पहले तो हम लोग का वो टारगेट होगा, यहाँ पे दो से भाग जा रहा है, यहाँ पे दो से भाग जा रहा है, लिख लिए दो भाई, एक से भाग जा रहा है, लिख लो तीन से भी जा रहा है। अब दो और तीन से क्या, तो छह से भी जाएगा, चार से जाएगा क्या? नहीं नहीं जाएगा, नौ से जाएगा। आठ का देखो ही मत, नौ का देख लो, नौ से जा रहा है क्या? हाँ जाएगा, नौ से जा रहा है। इसका मतलब बच्चों ये है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी इसमें? नौ से डायरेक्ट कट करो, मेंटोस की जिंदगी है ना, नौ से डायरेक्ट कट करो। ये तीन स्टेप आपके बच जाएंगे, देखो कैसे। नौ त्रिक सत्ताईस, नौ त्रिक सत्ताईस कितने बचेंगे? सात। सात
और मात्र नौ अटे नौ एक तीन बचे नौ एक नौ कितने बचे मतलब बेटा इसमें ना अठारह से भी भाग जाएगा कितने से एक कसौटी अठारह की आपको नहीं बताई जिस संख्या में दो और नौ से भाग जाता है ना उसमें अठारह से भी भाग जाता है जब आगे पढ़ेंगे तब वो पढ़ेंगे जिस संख्या में दो और नौ से भाग जाएगा उसमें कितने से भाग जाएगा अठारह से मतलब इसको डायरेक्ट अठारह से भी कट कर सकते हैं बीस तक जब कसौटी पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा ठीक है और पता चला अठारह से कट कर रहा है तो पता है अठारह सौ पहाड़ से अठारह का पहाड़ा ही नहीं आता तो कसौटी का कुछ मतलब नहीं गड़बड़ हो गया यहाँ पे देखो ठीक है अब दो से कट करो यहाँ पे आंसर क्या आ गया आपका अड़तीस बटे में चौदह कितने से कट करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा उन्नीस और यहाँ पे आ जाएगा सात ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा समझा